अध्यक्ष जिला पंचायत साजापुर से हेमराज सिंह सिसोदिया जी, विधानसभा प्रभारी श्री अर्जुन सिंह पाटीदार जी, विधायक गुजरात प्रवासी प्रभारी साजापुर से अमित भाई, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्रीमती बबीता परमार जी, भारी संख्या में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से आज इस चुनावी सभा में उपस्थित, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा जटाशंकर की इस पावन नगरी और भगवान परशुराम के पिता जबदग्नि ऋषि की तपोभूमि को प्रणाम करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आया हूं। उत्तर प्रदेश को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। मां गंगा और यमुना दोनों के आशीर्वाद के साथ ही उनका संगम भी उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में से दो महत्वपूर्ण राज्य हैं और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आपस में सांझी विरासत, संस्कृति और परंपरा के साथ भी ऐसे जुड़े हैं जैसी एक आत्मा और दो शरीर के रूप में कार्य कर रहे हो। भाइयों बहनों, आज मुझे सुजानपुर में आकर के आप सबसे इस चुनावी सभा के माध्यम से ही सही संवाद का अवसर प्राप्त हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब की पीढ़ी सौभाग्यशाली है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली इसलिए है क्योंकि हम बदलते हुए भारत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है, जो एक समर्थ भारत है, एक सशक्त भारत है, जो भारत दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाता है बल्कि दुनिया में जहां कहीं अभाव है, अराजकता है, अव्यवस्था है, वहां हाथ पकड़ करके उसे चलना सिखाता है। ऐसा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9-9.5 वर्षों के अंदर बना है। एक ऐसा भारत जिसके प्रति दुनिया का विश्वास मजबूत हुआ है। एक ऐसा भारत जो केवल दुनिया का हाथ पकड़ता ही नहीं है बल्कि अगर कोई दुनिया में भारत को आंखें दिखाता है तो उसकी आंखों को भी दुरुस्त करने का काम करता है। एक ऐसा भारत जो संकट के समय दुनिया के लिए एक आशा है, दुनिया की मानवता की कुछ आकांक्षाओं की पूर्ति का मादा रखता है और एक ऐसा भारत
जिसने उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत के 142 करोड़ लोगों को एक परिवार के रूप में मान करके सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ उसको जोड़ने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज भारत बदल रहा है, ये बदलता हुआ भारत का निशान है। काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में आप जाइए, एक नई काशी के दर्शन उत्तर प्रदेश में आपको होंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में जाएंगे, बाबा केदारपुरी की नए धाम की, नई पुरी की दर्शन आपको वहां पे होंगे। महाकाल के महालोक में आएंगे तो यहां पे महाकाल का ये महालोक हम सबको एक नई अनुभूति कराता है। बाबा सोमनाथ के धाम में आप गुजरात में जाइए, आपको एक नई अनुभूति कराता है। और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या पुरी भी तो तैयार हो गई है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर विवाद का समाधान हुआ, आज मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने मंदिर में विराजमान भी होंगे। ये जो तीनों प्रकार के कार्यक्रम है, आप में से भी और आपके पूर्वजों ने भी अयोध्या के राम मंदिर के लिए संघर्ष किया था, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि जिसके लिए हमारे पूर्वज बलिदान हुए थे, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था, जिसके लिए उन्होंने साधना की थी, जो उनकी मनोकामना थी, हम अपनी आंखों से, भौतिक आंखों से आज उस कार्य को मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर का काम क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का नाम ही समस्या है। कांग्रेस चाहती ही नहीं थी समस्या का समाधान हो। कांग्रेस ने तो कह दिया था कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और तो राम भक्तों ने कहा कि गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, नर रहेगा बांस नहीं बजेगी बांसुरी। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने देश को समस्याएं दी है, ये कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, उग्रवाद की समस्या दी, नक्सलवाद की समस्या दी, भ्रष्टाचार के कारण देश की छवि को धूमिल किया, देश के अंदर शोषण और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस के काले इतिहास को आने वाली पीढ़ी जब देखेगी, पढ़ेगी, भाइयों बहनों, कांग्रेस को छूने की बात तो दूर, वोट देने की बात तो दूर, वह दूर से छूने के लिए भी तैयार नहीं होगी। जिस कांग्रेस ने हमारे इतिहास को हर पग पग पर कलंकित करने का कार्य किया हो, उसे अपमानित करने का कार्य किया हो, इतिहास में किस प्रकार के पन्ने पढ़ाए जाते थे? इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था कांग्रेस के समय का इतिहास, अकबर महान है, यानी महाराणा प्रताप को ये महान नहीं मानते थे, अकबर को महान मानते थे, एक कांग्रेसियों का इतिहास है। और भाजपा कहती है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज महान है। अंतर स्पष्ट है, एक और गुलामी की निगाहों से पूरे देश को देखने वाली कांग्रेस देश को पुनः गुलामी की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही थी, दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान के लिए जानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी।
जो राम और कृष्ण की परंपरा पर भी श्रद्धा रखती है, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति करती है, राजा भोज की परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति करके आगे बढ़ने का कार्य करती है, यह है भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने तो राम और कृष्ण के अस्तित्व को भी नकार दिया था, उन्होंने राम और कृष्ण के अस्तित्व को कहा ये सब तो मिथक है, ये हुए ही नहीं, यानी उनके लिए भारत का इतिहास केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रारंभ होता है और उनके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ वही माना जाता है। वे अपने को आज भी एक्सीडेंटल कहते हैं, एक्सीडेंट हुआ कांग्रेसी पैदा हो गए, यानी देश का अस्तित्व है राम और कृष्ण थे वे मानने को तैयार ही नहीं, लेकिन हमने माना, लेकिन मानने के लिए शर्त थी डबल इंजन की सरकार रहनी चाहिए। और भाइयों बहनों, मोदी जी का सानिध्य और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, उत्तर प्रदेश की जनता ने अंगड़ाई ली, जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा से ऊपर उठी, अंगड़ाई ली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, 500 वर्षों का विवाद का समाधान हो गया, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया, और अब तो 22 जनवरी को रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारतवासी दुनिया में जहां कहीं रह रहा होगा, हर सनातन धर्मावलंबी गौरव के साथ कह पाएगा कि रामलला हम आए हैं और मंदिर में आपको विराजमान देख करके गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। भाइयों बहनों, और यह हर भारतवासी के लिए गौरव की अनुभूति वाला दिन होना चाहिए। मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों में जितना परिवर्तन किया है, एक त्रासदी थी उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार जैसे राज्यों की, ये बीमारू राज्य माने जाते थे, विकास की प्रगति में पीछे, बहुत पीछे छूट गए थे। मैं धन्यवाद दूंगा यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश से उभरा है, ये बीमारूपन के कलंक से मध्य प्रदेश उभरा है, उत्तर प्रदेश भी आज बीमारू राज्य से उभर चुका है, बिहार अभी उसी बीमारी की चपेट में है और राजस्थान भी उसी बीमारी की चपेट में है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मोदी जी का मार्गदर्शन है, बीमारूपन का ठप्पा दूर हटा, अब विकसित और अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आ चुके हैं, और इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, इसके लिए प्रयास करना पड़ा, मेहनत होनी पड़ी। मध्य प्रदेश में शासन की योजना को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिस ईमानदारी के साथ कार्य हुआ, विरासत को सम्मानित करने और गौरव की अनुभूति कराने के लिए कार्य जिस तत्परता के साथ हुआ, मध्य प्रदेश में कृषि के जिस प्रकार के कार्य योजनाएं, देश के अंदर सबसे अधिक विकास की दर वाली कृषि के लिए मध्य प्रदेश को स्थापित करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने जो कार्य किया, भाइयों बहनों, वह अभिनंदनीय है, और उसके कारण विकास की दर में मध्य प्रदेश भी तेजी के साथ आगे बढ़ा, नए नए प्रयोग, नए नए कार्यक्रम, नए तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास, और उस नए तरीके से आगे